हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बजाज के शोरूम में और यहां पे बहुत सी स्पोर्ट्स बाइक हैं, जैसे कि बजाज डोमिनो और पल्सर 200 एनएस और भी बहुत सी बाइक हैं। मैं आपको एक एक करके सभी के रिव्यू कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज की पल्सर 220 और मैं आपको बता देता हूँ इसके प्राइस और स्पेसिफिकेशन। उससे पहले एक देख लेते हैं इसका एक लुक। तो देखिए, लुक काफ़ी अच्छा दिया गया है इसमें, लेज़र एज दिए गए हैं और आगे की जो लाइट्स हैं मैं अभी आपको जला के दिखाऊंगा इसमें कि BS4 बाइक जो है चाबी लगती है कैसी जल जाती है और कैसी दिखती हैं। तो आप देख सकते हो, पहले इसका एक लुक देख लेते हैं। तो दोस्तों, देखिए आपने बाइक कैसे कितनी अच्छी है, काफी कुछ बदलाव दिए गए हैं। मैं आपको इसमें चाबी लगा के दिखा देता हूँ अभी कि इसका लुक जो है वो और बदल जाएगा इसमें। ये देखिए, ये की चाबी इंसर्ट और देखिए इसका लुक, ये देखिए डिजिटल और एनालॉग दोनों इसमें मीटर दिए गए हैं। और अब मैं आगे की लाइट दिखा देता हूँ आपको कि आगे की लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। ये BS4 की पहचान है। अगर आपको फिर भी चिंता हो कि BS4 बाइक नहीं है तो आप इसकी जो मैनुअल है उसमें पढ़ सकते हो कि ये BS4 बाइक है या नहीं है। डीलर से आप पूछ सकते हो या फिर आपको एक पहचान दी जाएगी कि आगे की लाइट हमेशा जलती रहेंगी इसकी। तो ये देखिए इसकी लाइट आगे की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, इसका जो इंजन है वो 220 सीसी का है और ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। पुरानी 220 से काफ़ी मिलती जुलती है और इसका जो एवरेज है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसका एवरेज जो है 35 का एवरेज है इसका और इसकी टॉप स्पीड जो है वो 145 तक ये चली जाती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बजाज की पल्सर 200 NS के बारे में, तो 200 सीसी का इंजन है, 12 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक है और इसमें LED टेल लाइट दी गई है और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि इसमें ब्रेक जो है वो दोनों ही डिस्क ब्रेक हैं और जो टॉप स्पीड है इसकी वो 145 दी गई है इसमें और ये 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है 9.83 सेकेंड में, मतलब 9.83 सेकेंड में।